दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो पर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों जब भी सस्ते और अच्छे फ़ोन की बात आती है तो लोगों के दिमाग में चीनी फ़ोन से ही आते हैं, चाइनीज़ फ़ोन जैसे कि रेडमी, रियलमी, वीवो ही आते हैं। पता नहीं पब्लिक जियो को क्यों भूल जाती है। दोस्तों जब मार्केट में 4G नया नया आया था तब लोगों के पास 4G फ़ोन नहीं थे और जो मार्केट में 4G फ़ोन थे वो काफ़ी ज़्यादा महंगे थे और ऐसे में जियो ने 5000 से भी कम दाम में 4G फ़ोन लॉन्च कर दिए थे। तो दोस्तों जियो लाएगा सबसे सस्ता 5G फ़ोन। जी हाँ दोस्तों, और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि जो हमारे मुकेश अंबानी हैं वो प्रेजेंट में कभी सोचते ही नहीं, ये बंदा हमेशा फ्यूचर की सोचता है। और तभी तो जितनी भी टेलीकॉम कंपनी थी जैसे आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन, इन सभी के यूज़र जियो में शामिल हो गए क्योंकि उस समय 4G सर्विस इस्तेमाल करना बहुत ही महंगा पड़ता था और अंबानी जी ने 4G सिम ही फ्री में बांटना शुरू कर दी और उसी के बाद उन्होंने 5000 से भी कम दाम में 4G स्मार्टफोन भी देना शुरू कर दिए। दोस्तों आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो गूगल है उसने जियो में $3.4 बिलियन का निवेश किया है और उसी के साथ दोस्तों जो कंपनी अदर्स उन्होंने भी जियो में भारी भरकम निवेश किया है। दोस्तों जियो और गूगल मिलकर सबसे सस्ता फ़ोन इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं, वो भी 5G नेटवर्क पर, और चीनी कंपनी को भारी भरकम टक्कर देने वाले हैं। और दोस्तों रिसेंटली ही जियो ने जियो ग्लास लॉन्च कर दिए हैं और उसी के साथ उनके जो अपकमिंग प्रोडक्ट हैं उनका भी ऐलान कर दिया है जिसमें शामिल है जियो TV और जियो 5G स्मार्टफोन। और दोस्तों रिसेंटली खबर आ रही है कि जियो का एक 4G स्मार्टफोन आपको इंडिया में देखने को मिलने वाला है। स्मार्टफोन का नाम रखा गया है जियो फोन 3। इसको लॉकडाउन के अंदर ही बीच में लॉन्च करने वाले थे लेकिन कुछ कारणों के वर्ष ये लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन जियो फोन 3 अब जल्दी ही मार्केट में अपने को देखने को मिल जाएगा। ये स्मार्टफोन सितंबर के महीने में देखने को मिलेगा आपको। इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है देखिए, देखने को मिलेगा क्या प्राइस रहेगी। तो दोस्तों प्राइस की बात करें तो यहां पर आपको 4500 में ये स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। बात करते हैं इसकी बेसिक स्पेसिफिकेशन की तो यहां पर आपको ऑक्टोकोर 1.0 GHz पर काम करेगा, एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, मीडियाटेक का प्रोसेसर है लेकिन यहां पर कौन सा प्रोसेसर यहां पर कोई मेंशन नहीं किया गया है। 2 GB की रैम मिलेगी और यहां पर आपको 128 GB तक का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है तो ये काफी अच्छी बात है। साथ में आपको 5 इंच का एक IPS LCD पैनल देखने को मिलेगा जो कि 294 की PPI के साथ देखने को मिलेगा। बात करते हैं कैमरास के बारे में तो 5 MP का आपको बैक साइड पर एक कैमरा देखने को मिलेगा और उसी के साथ आपको LED फ्लैश भी वही देखने को मिल जाएगी, 2 MP का फ्रंट कैमरा। बात करते हैं बैटरी के बारे में तो 2800 mAh का एक बैटरी मिलेगा, माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिलेगा, 4G वोल्टी देखने को मिलेगी, 2 SIM आप लगा सकते हैं इस फोन में, तो इतना कुछ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताइएगा आप इस फोन का वेट करेंगे या अदरवाइज कोई दूसरा स्मार्टफोन परचेस करेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगने पर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा, ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।